हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब बढ़िया होगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ फ्रेंड्स। और अभी सुबह सुबह का टाइम हो रहा है और आज मैं थोड़ा लेट से उठी हूँ, इसलिए मेरे आज वॉकिंग और एक्सरसाइज भी नहीं हुआ है। और आज उठते के साथ मैं आ गई हूँ किचन में, क्योंकि किचन का काम बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है मेरे लिए सुबह सुबह, क्योंकि मम्मी जी को लंच देना होता है, खाना देना होता है, तो ये सारे काम मेरे ही होते, मेरे अलावा और कोई नहीं करता ये सब काम। तो इसीलिए सुबह सुबह उठते के साथ मैं लग गई हूँ किचन के काम में, क्योंकि सारे काम तो बंद हो सकते हैं लेकिन किचन के काम कभी नहीं बंद हो सकते हैं हम हाउसवाइफ के लिए। तो इसलिए मैं आ गई हूँ किचन में और मम्मी जी को मैंने नाश्ता भी दे दिया है, लंच पैक भी कर दिया। हेलो फ्रेंड्स, तो फाइनली मेरे किचन के जो सुबह के काम होते हैं, नाश्ता वगैरह सब बन चुका है और मम्मी जी को भी लंच देकर मैं भेजती हूँ ऑफिस। और अब मेरा काम चालू होता है घर का, क्योंकि अभी दिवाली चल रही है ना, तो ज़्यादा काम तो मुझसे नहीं हो पाता है, लेकिन जितना भी होता है धीरे धीरे कोशिश कर रही हूँ कि सब कुछ मैनेज करूँ। लेकिन उससे पहले आज मुझे ना भूख लग गई है और दिवाली की सफाई भी है, तो सोच रही हूँ पहले खा लूँ, क्योंकि मुझे जैसे लगता है ना, मैं जिस तरीके से मैनेज कर पाती हूँ उसी तरीके, ज़रूरी नहीं है कि डेली मैं एक ही रूटीन फॉलो करूँ। तो बॉडी मेरा जिस तरीके से काम करता है मैं उस तरीके से ही काम करती हूँ। तो ये देखिए, फाइनली मेरा नाश्ता और मेरे मेडिसिन मैंने रखा है और अब मैं जा रही हूँ खाने, और खाने के बाद देखती हूँ कि कैसे क्या होता है आज, मैनेज मैं कैसे करती हूँ घर को। तो बने रहिएगा आप ब्लॉग में, इसी तरीके से ब्लॉग में हमेशा आप लोग के लिए बनाती रहती हूँ और बनाती रहूँगी। तो ये देखिए आज का मेरा नाश्ता। और आज मैं सबसे पहले नाश्ता कर रही हूँ, मैंने नहाया भी नहीं है क्योंकि मुझे आज बहुत सारे काम है दिवाली के। तो मेरे हस्बैंड संडे को ही जाले साफ कर दिए थे, लेकिन उसके बाद जो वीक होता है ना, मंडे टू फ्राइडे, वो कोई नहीं होता है घर में, मैं अकेले रहती हूँ, तो इसीलिए मैं ही सारा काम करती हूँ। तो सोच रही हूँ दिवाली का थोड़ा थोड़ा सफाई मैं धीरे धीरे कर डालूँ। तो जाले साफ हो गए थे, तो बस मुझे छोटे मोटे जितने भी घर में सामान रखे हुए वो उसे क्लीन करना था, तो मैंने आज से ही शुरुआत कर दिया है। सोचा कि चलो डेली ऐसे ही करते रहेंगे तो नहीं हो पाएगा, तो इसीलिए आज मैंने ठान लिया है कि नहीं, जितना मुझसे हो पाता है उतना मैं कर डालूंगी आज। तो सबसे पहले ये देखिए टीवी का कैबिनेट है, जो कि मुझसे डेली नहीं हो पा रहा है प्रेगनेंसी में, तो अभी मैं दिवाली की सफाई कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने टीवी के कैबिनेट से चालू किया है और ये सारा क्लीन हो चुका है, बहुत ज़्यादा गंदा हो चुका था, तो कोलीन की मदद से ना बहुत अच्छे से सफाई हो जाती है। तो मैं जब भी साफ करती हूँ तो सबसे पहले सूखे कपड़े से क्लीन करती हूँ, ताकि जितने भी धूल है वो सब निकल जाए, और जब धूल निकल जाएगा ना तो कोलीन से उसके बाद साफ़ करने से बहुत ज़्यादा चमकने लगता है कोई भी सामान। तो इसीलिए सबसे पहले मैं सूखे कपड़े से पोंछती हूँ, उसके बाद कोलीन का यूज़ करके और कोलीन से साफ़ करती हूँ। और कुछ कुछ सामान ऐसे होते हैं जिसे सूखे कपड़े से पोंछने के बाद मुझे गीले कपड़े से पोंछने पड़ते हैं, और उसके बाद मैं पोंछती हूँ कोलीन से लास्ट में। तो इस तरीके से दो तीन प्रोसेस होता है जिससे कि घर काफ़ी चमकदार हो जाता है। और ये है मेरे हॉल का दूसरा टेबल, जहाँ पे बहुत सारे पर्ची वगैरह कुछ भी रिसीट वगैरह होता है ना, वो सब हम लोग यहाँ ही रख देते हैं। तो जब भी मैं क्लीन करती हूँ इसे भी साफ़ कर लेती हूँ अच्छे से, सब अपनी जगह पे रख देती हूँ। और जल्दबाजी में होता है ना कि हम लोग कोई भी सामान जो सामने रहता है वो उसी चीज़ पे रख देते हैं, और टेबल साफ़ करने के बाद मुझे याद आया कि मेरे तो घर के आयरन है वो भी काफ़ी गंदे हो चुके हैं, तो उसे भी मैंने कोलीन से अच्छे से रगड़ कर साफ़ किया, और सच में काफ़ी चमकदार हो गया था, एकदम न्यू जैसा लग रहा है। तो इसी को साफ़ करने के बाद लगे हाथ मैं सारे घर के स्विच बोर्ड है उसे भी साफ़ कर लेती हूँ, ताकि मुझे दोबारा इसमें हाथ ना लगाना पड़े। और ये है मेरे घर के सारे टेबल, जो कि मैं हमेशा से वॉश करती हूँ डिश वॉश और विनीगर ये सब मिक्स करके, लेकिन इस बार मैं नहीं कर रही हूँ, क्योंकि 2 से 3 महीने पहले ही मैंने सारे टेबल को अच्छे से वॉश किए थे और अभी भी चमक रहे हैं, और प्रेगनेंसी में मुझसे उतना हो भी नहीं पा रहा है। तो इसीलिए मैं सूखे कपड़े से पोंछने के बाद सबको कोलीन से पोंछ दे रही हूँ, और इतना में ही अच्छे से साफ हो जा रहा है, क्योंकि करना मुझे ही है और डॉक्टर ने मना भी किया है कि ज़्यादा काम नहीं करना है, फिर भी मैं अपने तरीके से, घर पे कोई नहीं रहता है तो मैं धीरे धीरे करते रहती हूँ। वैसे डॉक्टर ने मना किया है कि ज़्यादा काम अभी नहीं करना है इस महीने, क्योंकि मेरा ड्यू डेट भी काफ़ी नज़दीक आ रहा है। और सारे टेबल क्लीन हो चुके हैं, और अब बारी आती है फ्रिज की। तो फ्रिज को मैं सिर्फ बाहर से भी साफ़ कर रही हूँ, अंदर से मैं नहीं साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम लगने वाला है, और अंदर से
तब साफ करूँगी जब हस्बैंड घर पे होंगे, तो थोड़ा हेल्प मिल जाएगा। तो इसीलिए अभी मैं सिर्फ क्लीन कर रही हूँ बाहर से, क्योंकि मुझे सब पे पर्दे और जितने भी कवर है ना वो सब लगाना, इसलिए मैं सबको क्लीन कर रही हूँ। और ये है मेरा बाथरूम के साइड का मिरर, जो कि काफ़ी गंदा हो चुका था, उतना ध्यान ही नहीं जाता है इस पर, इसीलिए फिर क्लीन करने के बाद ये देखिए यहाँ का भी स्विच बोर्ड मैंने क्लीन कर दिया है। और फिर वॉशिंग मशीन है, उसे भी साफ करना था, काफ़ी ज़्यादा गंदा हो गया था वॉशिंग मशीन भी, क्योंकि 2 से 3 दिन से ना मैं इसमें कवर नहीं लगाई हूँ, जो कि टेबल क्लॉथ होता है ना उसी से मैं ढकती हूँ, तो वो भी खुला था, तो इसलिए ज़्यादा गंदा हो गया था। और ये है मेरे हॉल की खिड़की, इसे भी अच्छे से क्लीन करना था, तो इसे भी मैं क्लीन कर दे रही हूँ। और सफाई करते करते मैं काफ़ी ज़्यादा थक गई हूँ, तो धीरे धीरे मैं कर रही हूँ, कभी कभी बीच में आराम से ब्रेक भी ले रही हूँ। और ये है मेरा रेक, जिस पे मैं जितने भी डिशवॉश वगैरह होते हैं ना वो सब रखती हूँ। और ये है शूज़ रेक, ये भी काफ़ी ज़्यादा गंदा हो जाता है, घर पे रहता है घर के अंदर फिर भी इतनी ज़्यादा गंदी हो जाती है ना, कितना भी आप साफ कर लो, मतलब हमेशा साफ़ करना ही होता है आपको। तो यहाँ पर मैं सूखे कपड़े से पोंछने के बाद गीले कपड़े से पोंछी हूँ, और उसके बाद सारे शूज़ को भी क्लीन करके उसके बाद मैंने यहाँ पे रख दिया है। और अब बारी आती है जितने भी कपड़े हैं ना कल मुझे वॉश करना है, तो देखती हूँ मुझसे होता है कि नहीं, तो अभी मैंने बस रख दिया है, ये सब काम कल करने वाली हूँ मैं। और फ्रेंड्स ये है मेरे घर का कबाड़, जिसे मैं इस ड्रम में इकट्ठा करती हूँ, और होली दिवाली इस तरीके से फेस्टिवल में जाकर कबाड़ में दे आती हूँ, क्योंकि इधर उधर फेंकने से अच्छा है कि एक जगह इकट्ठा करूँ, प्रदूषण भी नहीं होता है, तो इसमें कुछ छुपाने वाली बात नहीं है, मैं जो करती हूँ वही आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। तो इस तरीके से आप लोग भी इकट्ठे करके और जाकर मार्केट में दे सकते हैं, तो इसीलिए कबाड़ में मैं दे आती हूँ होली दिवाली ये सब के पहले, तो इसी में इकट्ठे करती हूँ, क्योंकि इधर उधर प्लास्टिक को नहीं फेंका जाता है। और वो सब मैंने सब सेपरेट करके उसके बाद लास्ट में झाड़ू लगा दिया है। झाड़ू लगाने के बाद अब बस पोछा लगाना है, देखती हूँ अगर पोछा लग पाता है तो मैं खुद ही पोछा लगा लूँगी, नहीं तो फिर हस्बैंड को ही करना पड़ेगा, क्योंकि नहीं होगा तो, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मैं थक चुकी हूँ। तो देखती हूँ जैसा होता है मैं वैसा करूँगी, अगर मुझसे हो पाता है तो मैं ज़रूर कर लूँगी। और फाइनली मेरा क्लीनिंग का काम लगभग हो चुका है, और बस अब नहाने के बाद मुझे करना है जितना भी मैंने कवर्ड निकाल कर रखा था ना, और वो मैंने वॉश कर लिया था पहले ही, तो जितने भी टेबल क्लॉथ है वो सब बस मुझे लगाना है झाड़ू लगाने के बाद। तो बस अभी हम हो जाते हैं फ्रेश झाड़ू लगाने के बाद, उसके बाद देखते हैं क्या करना है। और फाइनली सफाई तो पूरी हो चुकी है, लेकिन लास्ट मुझे याद आता है कि मेरे घर का जो सबसे मेन दरवाज़ा है उसे तो मैंने क्लीन ही नहीं किया है, तो ये है स्विच बोर्ड, इसे स्विच बोर्ड क्लीन करने के बाद ये जो मेन डोर है ना इसे भी मुझे आज ही क्लीन करना है। और बाहर की सफाई मैं अभी नहीं करूँगी, देखती हूँ कब करते हैं। दिवाली तक तो सफाई का काम लगा ही रहेगा, लेकिन अभी फ़िलहाल इस मेन डोर को क्लीन करना ज़रूरी है, क्योंकि मैंने पूरे हॉल की क्लीनिंग की है तो ये क्लीन करना भी बनता है। और क्लीनिंग के बाद अब मैं नहा चुकी हूँ, और नहाने के बाद खाना पीना खाने के बाद जितना भी घर के पर्दे थे ना वो सब मैं लगाने की कोशिश कर रही थी, देखती हूँ लगता है कि नहीं, और मैं बहुत कोशिश की लेकिन लग ही नहीं रहा था, तो फिर मैंने हस्बैंड को बुलाया, फिर वो लगाए हैं सारे में पर्दे, क्योंकि काफ़ी हाइट था और मुझसे नहीं हो पा रहा था। और पता है घर में पर्दे लगते ही ना घर बहुत सुंदर लगने लगता है, और मुझे पर्दे बहुत पसंद है। और फिर जितने भी धुले हुए टेबल क्लॉथ थे सबके जगह पे मैंने अपना अरेंज कर दिया है, और ये सबसे ना घर बहुत सुंदर लगता है। और इस तरीके से बारी बारी से सबके कवर मैंने लगा दिए हैं, और बहुत अच्छा लगता है घर में जब आप क्लीनिंग करते हो उसके बाद अच्छे से डेकोरेट करते हो ना, तो बहुत सुकून मिलता है मन को। और फाइनली मेरा पूरा हॉल क्लीनिंग हो चुका है। और फ्रेंड्स तो फाइनली इतनी मेहनत के बाद मेरा घर सज चुका है दिवाली के लिए, देखिए मेरा पूरा हॉल सज चुका है दिवाली के लिए, और ये सब करके ना बहुत सुकून मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। फ्रेंड्स तो अभी दोपहर का टाइम हो रहा है, और मेरे जितने भी क्लीनिंग के काम थे ना आज बहुत ज़्यादा थकावट हो गई मुझे, हॉल में बहुत सारे काम थे, और दिवाली है तो काम तो है ही, लेकिन अभी घर में किसी को छुट्टी नहीं है, मम्मी जी की भी ड्यूटी है और हस्बैंड की भी ड्यूटी है, तो वो संडे को मेरा हेल्प करते हैं, लेकिन ऐसे
संडे और सैटरडे के अलावा मुझे ही करना पड़ता है, तो मुझसे जितना हो पाता है मैं धीरे धीरे कोशिश करती हूँ कि मैं कर लूँ। तो जो भी जाले निकालने थे वो सब मेरे हस्बैंड संडे को ही कर दिए थे, लेकिन इस बीच में जो मेरे काम थे जैसे क्लीनिंग का, तो वो मैंने हॉल का कर लिया है आज, और मेरे पूरे क्लीनिंग कंप्लीट हो गई है दिवाली की। अभी थोड़ी मोड़ी और बाकी है, और तो दिवाली तक तो जब तक दिवाली नहीं आ जाती तब तक क्लीनिंग का काम ख़त्म नहीं होता है। हम हाउस वाइफ का कुछ ना कुछ रहता ही है, लेकिन आज जो भी मेरे क्लीनिंग के काम मैंने सोचा था, हॉल की क्लीनिंग मेरी पूरी हो चुकी है और पूरा हॉल मेरा बहुत सुंदर लग रहा है। और सच में क्लीनिंग के बाद बहुत ही अच्छा लगता है घर, और ख़ुद को भी सुकून मिलता है, एक एनर्जी फील होती है घर में, लगता है जैसे पॉजिटिविटी आ गई है। तो इस तरह पॉजिटिविटी आती भी है, बहुत अच्छा फील होता है। तो इस तरीके से मैंने आज क्लीनिंग का काम कंप्लीट किया है फ्रेंड्स। तो आप लोगों को आज का मेरा ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पर नए आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और फ्रेंड्स फुल सपोर्ट कीजिए, फुल वॉच कीजिए वीडियो को, और मुझे सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आप लोगों ने सब्सक्राइबर तो मेरा जितना भी क्राइटेरिया था वो कंप्लीट करा दिया है, लेकिन वॉच टाइम मेरा कंप्लीट नहीं हो रहा है। तो प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। तो मिलते हैं इसी तरह के एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।